नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में दो सीटों का उपचुनाव खत्म हुआ, लेकिन तीसरी सीट कुढ़ली की, जहां पे उपचुनाव होनी है और जिसको लेकर सीटों का समीकरण बुना जा रहा है, सामाजिक राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हो रही है। और बिहार में चुनाव होते हैं तो सामाजिक समीकरण, जातियों के समीकरण को लेकर भी चर्चा होती है। ऐसे में कुढ़ली सवर्ण बहुल क्षेत्र बताया जाता है, मुस्लिमों की संख्या भी अच्छी खासी है और वैश्य समाज का दबदबा है। इसलिए कि केदार गुप्ता की बात कर ले तो वो लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, कुशवाहा समाज के विधायक रहे हैं, सहनी समाज के विधायक रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं इस बार का समीकरण कैसे बदल रहा है, इस बार क्या परिस्थिति लग रही है कुढ़ली में। देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का घाटा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ये सीट रही और अब तक जो महागठबंधन नया बना है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन पाए हैं, इसमें काली केवल एक हाथ से बज रही है। राजद लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को बचाए भी रखे और चलाते भी रहे, लेकिन दूसरी तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से वो प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जो तेजस्वी को इस बात को लेकर अश्योरेंस दे सके कि इस बार नीतीश कुमार कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे। दो मंत्रियों की बात तो बहुत पुरानी हो गई। आपने देखा कि किस तरीके से आज खबर आ रही है कि ये जो सीट है कुढ़ली की, ये जदयू के फेवर में जा सकती है। जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को ये टिकट दिया जा सकता है। जबकि ये आपको अच्छे से पता है कि जिस विधायक की यहाँ से विधायक की समाप्त हुई है वो राजद कोटे के हैं और उन विधायक साहब की पत्नी भी दिल्ली जाकर लालू यादव के दरबार में मत्था टेक चुकी है। फिर भी मामला यहाँ पहुंच गया है कि इस सीट पर जदयू अपना दावा ठोकने जा रही है और आज हो सकता है कि घोषणा कर दे। लेकिन सबसे बड़ा समीकरण यहाँ ये है कि इस जगह पर मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ेंगे, भाजपा भी चुनाव लड़ेगी और कुछ अन्य दल हैं जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा आज रात तक कर देगी। दूसरी बात, महागठबंधन के प्रत्याशी की भी घोषणा आज हो जाएगी। चिराग पासवान ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा के साथ है इस चुनाव में, और मुकेश सहनी 16 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं, ये उन्होंने पहले कर दिया है। अब बिहार की राजनीति में एक और जो सबसे युवा पार्टी है जी, माली की भारतीय जन परिवार पार्टी। हम बार बार इस पार्टी की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में जो लवकुश बोला जाता है वो केवल लवकुश नहीं है बल्कि लवकुश और माली है, लवकुश माँ। और इस लवकुश माली समाज को बिहार से अब अलग हटते हैं तो एक माना जाता है, बिहार में भी एक माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अब जैसे कैसे जातियों में भी अपहरण जातियां होती हैं उस तरह का बात है। लेकिन पृथ्वी माली के जो वोट बैंक है वो इस सीट पर भी अच्छा खासा है, 10 से 12 हजार वोट बैंक उनके हिसाब से है, 7 से 8 हजार हमने जो कैलकुलेशन निकाला है उसके आधार पर, चलिए आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा ही मोकामा में उन्होंने किया था, प्रत्याशी उतारा था, इससे पहले चुनाव में भी प्रत्याशी उतार चुके हैं, भाजपा से लगातार उनकी भी बात चल रही है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की बात चल रही है वैसे ही इनकी भी बात लगातार भाजपा से चल रही है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार के लवकुश में एक बड़ा सेंधमारी हो सके और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद पृथ्वी माली को बिहार में भाजपा ने भेजा है जी। मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी माली अपने तरफ से आए हैं, मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई उनके तरफ से खेल कर रहा है ऊपर से, और पृथ्वी माली यहां आकर राजद का समीकरण बिगाड़ेंगे, महागठबंधन समीकरण बिगाड़ेंगे, जो आप देख रहे हैं कि 2000-4000 वोटों से जीत हार का फैसला हो रहा है। ऐसे में 10000 वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत कीमती हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद तेजस्वी यादव इस बार या महागठबंधन फिट ट्रिक मिस कर गई, इस प्रत्याशी को जो उतारने जा रहे हैं पृथ्वी माली, इन्हें भी रोकने का प्रयास करना चाहिए था। वही इनकी बात छोड़ दीजिए, जब मुकेश सहनी को ही रोक नहीं पाई महागठबंधन तो इनके तक पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मुकेश सहनी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो चाहते हैं कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी ऑप्शंस दिए थे कि ये जो पूरा समीकरण बन रहा है विपक्ष का, इसके साथ वो खड़े हैं, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का जो चल रहा है संकल्प उन्हें उसे वो भी उठा लेते हैं और भाजपा विरोधी ताकतों के साथ वो खड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी की बात नहीं सुनी गई, तो कायदे से मुकेश सहनी का जो बड़ा वोट बैंक है इस क्षेत्र में वो महागठबंधन के खिलाफ जाएगा। भाजपा तो खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी ही, सवर्णों का वोट काटेगी ही। इसके अलावा आप जान लीजिए कि जदयू राजद के बीच जो खिचपिच चल रहा है उसमें भी वोट बैंक जरूर होगा, क्योंकि प्रत्याशी अगर राजद का होता तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता, जदयू के प्रत्याशी को हराना भाजपा के लिए और आसान हो जाएगा। और ऐसे में अब खबर आ रही है पृथ्वी माली भी 10000 वोट काटने के उतर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ की लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से राजद के खिलाफ हो जाएगी, महागठबंधन के खिलाफ हो जाएगी और इस सीट पर जीतना मुश्किल हो जाएगा जी। तो केदार गुप्ता पहले से भी इस सीट पर प्रबल दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, 771 वोटों से पिछली बार उनकी हार हुई थी। तो पृथ्वी माली ने 1000 वोट भी अगर काट लिया तो राष्ट्रीय जनता दल को काफी नुकसान हो सकता है। वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।